देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज। और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। होडल में आम आदमी पार्टी नेता करण डागर ने अपने कार्यकर्ताओं व सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर शहर में विरोध जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला लेकर पूरे शहर से हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जगजीवन राम चौक पर समापन करते हुए पुतला फूंक। अपनी मांगों को लेकर अध्यापकों पर जो इस बार सरकार ने बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया है और उन पर लाठी डंडों से प्रहार किया और वहीं ब्राह्मण नेता से गर्दन काटने को कहा है, इससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के इस मुख्यमंत्री को सत्ता का अभिमान हो गया है। इस सरकार का अब घिनौना चेहरा जनता के सामने आ गया है, यह कहना है आम आदमी पार्टी नेता करण डागर का। करण डागर ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता बीजेपी से इस बर्बरता का पूरा हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि अहंकार रावण ने किया था, जिसका उदाहरण सबको पता है क्या हुआ था। जिसने भी घमंड किया है उसका सर हमेशा नीचा हुआ है। इस मौके पर ब्राह्मणों ने कहा कि जो अपमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्राह्मणों का किया है उसका बदला होडल ब्राह्मण समाज आने वाले चुनाव में जरूर लेगा। अब बीजेपी को ब्राह्मणों के अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता। इतिहास गवाह है, जिसने भी ब्राह्मणों का अपमान किया उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा है और अब बीजेपी को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। महोदय, ये जो विरोध प्रदर्शन हमारे सभी संगठन के साथियों ने जो किया है, ये होडल विधानसभा में आपके रेस्ट हाउस से लेकर बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा तक हम लोग बाजार में होते हुए गए हैं और सैकड़ों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होकर कल जो सरकार ने बर्बरतापूर्वक जो एक रवैया अपनाया था हमारी बहन बेटियों हमारे भाइयों के साथ में, जो कंप्यूटर टीचर अपनी मांगे मंगवा रहे थे सरकार से, तो जो बहुत दर्दनाक हादसा कह सकते हैं इसको, ये तो अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला दी सरकार ने। सच मायने में किसी के हाथ तोड़े हैं, किसी के पैर तोड़े हैं, किसी का सिर फटा है, और ऐसे नहीं करना चाहिए था सरकार को। उसके विरोध में एक हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रतिघात एक आघात किया मुख्यमंत्री जी ने, जो कहा है कि भाई आपकी सरकार सर गर्दन काट दूंगा, तो ऐसे अशोभनीय शब्द कम से कम मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को नहीं बोलने चाहिए थे। इसके विरोध में हमने विरोध प्रदर्शन किया। किसका पुतला फूंका आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। कंचन टीवी के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट।